देखिए बीच का हालत, वाह क्या दृश्य है भाई। इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि जंग हुई होगी यहाँ पर, तब ब्रिज में बम बारूद गिरे होंगे, तो ये हालत हो गया है ब्रिज का। 12 बजे रात में मैं खुद गाड़ी लेके आया हूँ, एक भी लाइट नहीं जलती है इसमें। बताइए ये सबसे बड़ी अंधेरा में चलो, फिर बाइक लेके आया, बाइक भर जाता है पानी में, पानी पूरा भर जाता है, तो आदमी को पता नहीं चल पाता है कि मतलब गड्ढा है किधर। छोटे से लेके बड़े से हर कोई आना जाना करता है, तकलीफ सबको है इस रास्ते, सबको है। इसको रिकवरी होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। आखिरी बार कब इसको ठीक ठाक देखे होंगे आप लोग? ये देखो साइकिल फंस गया क्या भैया? कैसे फंस जा रहे जी? फंस गया साइकिल है तो देख रहे हो, गड्ढा ही है इतना। इस रोड से जाओगे तो यही हाल होगा। क्या बोलते हो यहाँ के अधिकारी लोगों को? भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। सरकार का भी है भरोसा? सरकार का भी भरोसा नहीं है, सरकार तो अपना ही देखता है, गरीबों को क्या देखती है। सरकार अपना देखती है। आप लोग इतने दिनों से यहाँ रहते हैं, कभी किसी के पास गए हैं बोलने के लिए? कई बार कंप्लेन भी की है नगर निगम में, कोई भी नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ है, न सुधार नहीं हुआ है यहाँ पर। सब ट्रांसपोर्ट नगर वाली बड़ी वाहन यहीं से गुजरती है? सब बड़ी बड़ी वाहन, भारी वाहन भी गुजरती है, इंडस्ट्री लाइन भी है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर को जो आप देख पा रहे होंगे, इसे आप बार बार देखो और देखते देखते हजार बार भी देखो, क्योंकि ये तस्वीर है जब जंग हुई होगी ना आज से पहले कभी शहर में, तब की जो हालत आप देख पा रहे हैं। टूटी हुई ब्रिज, नीचे पड़े हुए कचड़े, और नीचे जो कचड़े आपको दिख रहे होंगे, ये ऐसा देख के आपको एहसास हो रहा होगा कि डिस्पोजल की फैक्ट्री है। यहाँ पर जो डिस्पोजल है उठाया जाता है और रिसाइकल करके फिर बनाया जाता है, क्योंकि इतने डिस्पोजल तो ऐसी जगह पे मिलते हैं। आप तस्वीर में देखिएगा, ये ब्रिज है ट्रांसपोर्ट नगर की, छावनी की, और यहाँ पर विगत हम इतने बार वीडियो बना चुके हैं, इतने बार ये दृश्य दिखा चुके हैं सरकार को लेकर और निगम के अधिकारियों को लेकर कि वो इस ब्रिज की मरम्मत क्यों नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर जैसा नाम है वैसा काम भी होता है कि बड़ी बड़ी व्हीकल चलते हैं, जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, बड़ी बड़ी वाहन चलती हैं, और जो ये सड़क का, जो ये रास्ते का, जो इस पुलिया का हालत है वो हादसे से भरा हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय और किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। जर्जर हालत में ये पुलिया है, पता नहीं यहाँ के रहवासी आखिरी बार इसे कब सुंदर तरीके से देखे होंगे। पुलिया आप देखिएगा, सीधा आर पार जमीन जो नीचे है, पुलिया जो गई हुई है वहां पूरा आखिरी तक दिखता है। यहाँ से रॉड जो बिछे हुए हैं पुलिया में वो बाहर आ चुके हैं, गिट्टियां निकल चुकी हैं। हो सकता है कि कभी भी ये ब्रिज जो है वो भसक कर नीचे चले जाए और यहाँ से जाते हुए वाहन भी इसके साथ नीचे चले जाए और सब कुछ तहस नहस हो जाए। ये दुख की बात होगी, लेकिन लगातार हम खबर भी दिखाते आ रहे हैं कि इस सड़क में कितनी दुर्घटना होती है। आप देखिएगा ये जो हालत है, ये जब पहली दफा बना होगा ना ब्रिज, ये तब की हालत है इस ब्रिज का। ये जो ऐसा निकल भी जाएगा हाथ से करने से, और कभी भी गाड़ी पंचर एक्सीडेंट, क्योंकि इस रोड से स्कूल बसें हो गई, चाहे बड़े बड़े वाहन हो गए, ये गुजरते रहते हैं। और साथ ही बरसात का मौसम है, जब यहाँ बारिश होगी और पानी भर जाएगा तो ये गड्ढे भी दिखाई नहीं देंगे और हादसे जो है कभी भी हो सकते हैं। यहीं रहते हैं क्या? हमें बालाजी नगर में रहता हूँ। हाँ, कब से तकलीफ है आप लोगों को? ये आपसे कम से कम 6-7 साल से यही प्रॉब्लम है। हाँ। और कोई आज तक का इसका प्रोग्राम नहीं बनाया है, जैसे मटेरियल जो भी है। हाँ। ढलाई का जो भी है। ब्रिज की हालत खराब है, कभी भी हादसा हो सकता है। और कभी ये चीज को कई बार कंप्लेन भी की है नगर निगम में, कोई भी नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ है, न सुधार नहीं हुआ है यहाँ पर। सब ट्रांसपोर्ट नगर वाली बड़ी वाहन यहीं से गुजरती है? सब बड़ी बड़ी वाहन, भारी वाहन भी गुजरती है, इंडस्ट्री लाइन भी है। हाँ। और क्या बोलते हैं, आना जाना आवागमन लगे रहता है। स्कूल बसें भी गुजरती होंगी? हाँ, स्कूल बस भी, हथकोच का सिटी है इधर। हाँ। और सब बस का आवागमन होता रहता है। हाँ। लेकिन ये जर्जर है, पूरा खंडहर हो गया पूरा जगह। आप लोग नेता वगैरह के पास जाते होंगे, उन लोग क्या बोलते हैं ब्रिज को लेकर? हम सामने जो पुलिया दिख रहा है उसका हालत भी भैया? ये सामने का पुलिया तो टूट गया है पूरा। हाँ, सामने का लोकेशन दिखाई, ये पूरा टूट गया। यहाँ से इंदिरा नगर पूरा जुड़ता है, पूरा वो टूट गया है पूरा। अब यहाँ के पूरे मजदूर लोग, जो भी ट्रांसपोर्ट में मजदूर लोग हैं, पूरे यहाँ से घूम के आते हैं, चाहे दुर्गा मंदिर से घूम के आते हैं। ये है प्रॉब्लम, ट्रैफिक और बढ़ जा रही है इसकी वजह से। ये देखो साइकिल फंस गया क्या भैया? कैसे फंस जा रहे जी? फंस गया साइकिल है तो देख रहे हो, गड्ढा ही है इतना। इस रोड से जाओगे तो यही हाल होगा। क्या बोलते हो यहाँ के अधिकारी लोगों को? क्या बोलेंगे, बनाना चाहिए सड़क को तो। ठीक है, बाकी आपको ना क्लोज से ये जो साइड का ब्रिज का जो बाउंड्री होता है वो दिखाता हूँ कि उसकी हालत क्या है। अभी फिलहाल देख के संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि हैवी व्हीकल यहाँ से चलती है, बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं जो ट्रांसपोर्ट नगर में माल लाना ले जाना करते हैं। ये देखिए ब्रिज का हालत,
वाह क्या दृश्य है भाई, इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि जंग हुई होगी यहाँ पर, तब ब्रिज में बम बारूद गिरे होंगे तो यह हालत हो गया है ब्रिज का, ये देखिए। बाकी आपको और डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पर विगत लगातार लोग अपने अधिकारी अपने नेताओं के पास जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस पुलिया को बनाने की। कल परसों हमने आपको खबर दिखाई थी छावनी से ट्रांसपोर्ट नगर आ रहे रोड की, वहां की हालत आपने देखी कि धूल डस्ट। और आपको एक खास बात इस रोड की बता दूं कि जो सामने आप लाइट देख रहे हैं वो लाइट भी जो है सालों से बंद है, जो उसका बेस बना हुआ है वो भी टूटा फूटा रखा हुआ है कि कभी भी किसी के ऊपर भी वो गिरेगा ना तो बड़े हाथ से कभी भी हो सकते हैं। और लोग हैं बात कर लेते हैं, भैया कितना परेशान है आप लोग सब, स्थिति कुछ बोलते क्यों नहीं आज सामने? स्थिति तो देखने के बाद खराब है भैया, स्थिति को देखने में क्या, इसमें आइए आके। कितने साल से आप लोग तो बहुत समय से रह रहे होंगे यहाँ? मैं 5 साल से। 5 साल से कुछ हुआ है यहाँ? कुछ नहीं हुआ। बोले हैं किसी को? किसी को। ये दुर्घटना तो देखते ही होंगे यहाँ पर लगातार हो रहा है। बताइए। हाँ जी बताइए। पूर्णिया पूरा था ना यार, ऐसा हिलता है गाड़ी चलती है तो जी। कभी भी फसक जाएगा वो, स्थिति से खराब होगी तो पतला लेयर बचा है बस। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। सरकार का भी है भरोसा? सरकार का भी भरोसा नहीं है, सरकार को अपना ही देखता है, गरीबों को क्या देखती है। सरकार अपना देखती है। आप लोग इतने दिनों से यहाँ रहते हैं कभी किसी के पास गए हैं बोलने के लिए? नहीं गए भैया, हम क्या, हम गरीब आदमी अपने पेट के हिसाब से चलते हैं। पेट के साथ चलते आदमी है जी। बताइए सरकार आती है तो सबसे पहले ध्यान तो गरीबों पे ही देना चाहिए क्योंकि उनकी समस्या ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी रहती है। और इस पुलिया की हालत देख कर ये समझ आ गया है कि इस पुलिया पे ना किसी की नज़र जाती है और जो नज़र जाती भी होगी तो नज़रअंदाज करते हैं। मैं और भी लोगों पर जाऊँगा जो कुछ बुला रहे हैं, बाकी इधर खड़े हुए लोगों से बात कर लेते हैं जी। खाली कहाँ हुआ जब बोल दिया वो भैया भी बता दिए नहीं होगा इतना, उसमें जो रॉड आ रहा है सब बाहर आ गया, सब बाहर आ गया। और हादसा जो है कभी क्या बोलते हैं आप लोगों के बच्चे वगैरह भी यहाँ से गुजरते होंगे तो डर लगता है? पूरी हर कोई छोटे से लेके बड़े से हर कोई आना जाना करता है, तकलीफ सबको है इस रास्ते, सबको है। इसको रिकवरी होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। आखिरी बार कब इसको ठीक ठाक देखे होंगे आप लोग? आखिरी बार लगभग 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले, मतलब कोई ना नेता आया है ना कोई अधिकारी आए हैं? कोई नहीं। और आए भी होंगे तो आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है? ठीक है, अधिकारियों से भी हम बात करेंगे जी। आए हैं तो अपने फायदे के लिए ही इधर आए हैं, चुनाव के समय राउंड लगाने के लिए, राउंड लगाने आए हैं, बंद कराने आए हैं, गरीब आदमी परेशान करने आए हैं। लेकिन पुलिया से कोई लेना देना किसी का नहीं है। इधर तो कुछ ठीक है, नीचे जो कचरा जमा हो गया है देखिए आप रोड, इधर जी सर दिन भर कचरा जमा हो गया, इससे भी आप लोगों को दिन भर बदबू परेशानी होती होगी। ये तो लग रहा है कि डिस्पोजल फैक्ट्री है, गली मारता है। और ये पुलिया क्या सड़ी वड़ी निकला हुआ है, सरिया निकला हुआ है, गाड़ी गाड़ी चल रही है, रुक रहा है, कोई रुक नहीं रहा है, ओवरलोड भी चलती है। आप लोग क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों को तो ज्यादा तकलीफ है सबसे ज्यादा, पार करते हैं हम लोग, गिर मजा है पुलिया सड़ी वड़े देख के। और धीरे चलाना पड़ता है, धीरे चला जाना उसी के ऊपर सही है, जाना उसी के ऊपर से। तो यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग है कोई आजू बाजू जाने के? और कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं, यही एक लाश वहाँ से उमदा होके ये और रूट लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा घूम कर गड्ढे लोग के लिए कम से कम 6-7 किलोमीटर ये जो गड्ढा हो गया है पुलिया पे, हम लोग को ब्रेक लेना पड़ रहा है। हाँ मैं भी ड्राइवर हूँ, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या तो इन ड्राइवरों के साथ होती है कि जैसे ही हादसे होते हैं लोग सीधा ब्लेम करते हैं ड्राइवर के ऊपर कि आपकी गलती, आपने चढ़ा दिया, लेकिन उसके पीछे की जो मूल समस्या है ब्रिज की, जो गड्ढों की, उसको कोई बात नहीं, टूट सकती है। अब यहाँ पुलिया पड़ता है सर, कमजोर होगी गाड़ी लेके आते हैं ना, कभी कोई बाइक हुई गड्ढा पड़ जाता है तो हमको ना थोड़ा स्पीड में चढ़ना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी रुक गई तो पीछे ढूली तो कोई ना कोई तो हादसा होना ही है, होना ही है। तो एक गड्ढा देख के हमको बहुत प्रेम से चढ़ना पड़ता है, एक गड्ढा पूरा हो जाता है, कभी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है, हादसा हुआ भी है, हो जाएगा ना, पुलिया होता ही है, टूटी छड़िया समय होता ही है, कभी भी गिर सकती है। इस समस्या को लेकर आप ड्राइवर संघ वाले कितने कभी गए हैं बात करने के लिए? अब जो भी हमारे साइड लोग करेंगे हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग तो गाड़ी चलाते हैं, आप लोग गाड़ी चलाते हैं जी, लेकिन कभी धोखा हो सकता है, गाड़ी के अंदर पुलिया गाड़ी घुस गया था अंदर पूरा, इधर नीचे, हाँ नीचे घुस गया था, करेन से निकाला गया गाड़ी को, अरे करेन से निकाला गया, वो जो टूट गया गाड़ी चलती है।
मुझे देख के मैं बोल रहा था कि जंग हुआ होगा, गाड़ी गाड़ी अंदर कौन सी गाड़ी गाड़ी 10 चक्का था सर, 10 बड़ी गाड़ी थी, 10 या 14 चक्का थे, 14 चक्का शायद उसका वीडियो भी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पुरानी हुई, तुम देखा, ये बड़ी समस्या और सोचने वाली बात है कि क्यों ध्यान टाउनशिप में, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा प्यार है। वो देखिए रुकमणी कांटा देखिए कितना बड़ा बड़ा, अच्छा लाइट का मेरे को बताइए, रात को भी रास्ता तो डेली एक्सीडेंट होता है, रात में गाड़ी अपना खड़ा किए बाइक से लेके जा रहे हैं लेकिन लाइट नहीं चलती, लाइट नहीं जलता, उसमें जलता, मैं अभी आते हुए देख रहा था खंबे की हालत भी खराब है, वो भी बच सकता है, एक भी लाइट नहीं जलता, एक भी लाइट गिरते हो, कल 12 बजे रात में 12 बजे रात में मैं खुद गाड़ी लेके आया, एक भी लाइट नहीं जलती है इसमें, बताइए ये सबसे बड़ी अंधेरा में चलो फिर बाइक लेके आए, बाइक भर जाता है पानी में, ये तो कीचड़ दिख रहा है, पानी पूरा भर जाता है तो आदमी को पता नहीं चल पाता है कि मतलब गड्ढा है किधर, गाड़ी लेके जाता है तो गिर जाता है गड्ढे में, कल भी ऐसे हुआ है, डेली मतलब हो ही जाता है, एक दो हो ही जाता है। आप क्या काम करते हैं? टायर का साइज है ना, आपका दुकान है, आना जाने यहाँ से लगे रहता है, डेली का लगे रहता है, डेली लगे रहता है, दुनिया के नीचे ऐसा लगता है कि एकदम अमराज नीचे बैठा हुआ है, कब नीचे जाएगा पता नहीं। अच्छा ये अमराज इंतजार कर रहे हैं, नीचे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब घुसेगा और कब नहीं पड़ेगा। चलिए आइए आपके सर एक बार ब्रिज का मुआयना और अच्छे से कर ले, देखना एक बार और आपको बताते हैं ब्रिज की हालत क्या है, नीचे पूरा ब्रिज का नीचे दिख रहा है, अधिकारी देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी यहाँ के नेता हैं वो देख रहे हैं कौन से एहसास है उनके लोगों की तकलीफ क्या है, और उनको ये समझ आना चाहिए कि सब बच्चे होंगे और जब लोग उनके पास आएंगे तो कितनी बड़ी समस्या इतना बड़ा हादसे क्यों होगा, सब उनको बढ़ा नहीं होगा, अधिकारी बाइक लेने की कोशिश करते हैं वो क्यों नहीं सोचते हैं जनता के बारे में, क्यों इतना ध्यान नहीं जाता है, जो लेवल होता है ये उस पर आप देखिए कॉन्क्रीट नहीं तो बनाया गया था लेकिन 3-4 लेयर और कट के नीचे हो गए, रॉड से इसे बेच दिया जाता है, वो भी टूट गया है, वो भी बराबर हो गया है, लगाइए सही आपका वहाँ से देखिए वहाँ से देखिए पूरा से नीचे दिखाई दे रहा है, बुलेट साइड ला लीजिए सर, प्रसाद करते हैं गाड़ी वहाँ से, अब तो वो कैंसिल हो गया अभी कर जाते हैं जी, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा कोई समस्या तो है, ठीक है बाकी आप बताइएगा कि क्या ये उपाय निकाला जा सकता है, क्या जितने रहवासी यहाँ रहते हैं उन सबको चंदा जोड़ के इस पुलिया को बनाना चाहिए, या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पर ध्यान देंगे तो शायद आने वाला समय अच्छा होगा, हादसे कम होंगे और हादसे होंगे तो ये जिम्मेदार जो है उनके ऊपर ही जिम्मेदारी दी जाएगी। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में, और इस पुलिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हादसे जो है कभी भी हो सकते हैं, ये जो दृश्य आप देखेंगे सामने में ये भयानक, ये दर्दनाक है, हादसे कभी भी हो सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में, ऐसे और भी गड्ढे और भी सड़कों और भी सिस्टम की सच्चाई आप तक हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके एरिया में कौन सी तकलीफें हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम वो समस्या को उन जिम्मेदार लोगों तक, जिम्मेदार अधिकारियों तक, जिम्मेदार नेताओं तक पहुंचा सकें। जय जवाहर। नहीं इसका ये संज्ञान में नगर निगम विलायक के आ गया है और हमारी जोन कमिश्नर भी जाके विजिट की है, उसका अति शीघ्र उसका संधारण किया जाएगा, आपने भी संज्ञान में लाया, पूर्व में भी संज्ञान में आ गया है, और साथ में ऐसा है कि उसके पूर्व में रोड बनने का काम शुरू था लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है अधिसूचना जारी होने के बाद रोड बनना बंद हो गया, रोड का भी काम बनेगा और साथ में पुलिया का भी संधारण किया जाएगा और अति शीघ्र किया जाएगा।